अस्सलाम वालेकुम, एसके रियान किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम आज बनाने वाले हैं दही। हम सिखाएंगे आपको कि दही किस तरह से बनती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास फ्रिज नहीं है तो वो कैसे दही जमा सकते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें फ्रिज की कोई जरूरत नहीं है। दही बिना फ्रिज के भी बनती है, और किसी किसी को नहीं भी बनाने आती है तो आज उनको हम बताएंगे कि किस तरह से दही जमानी है। तो दही जमाने के लिए यहाँ पर हमने अमूल गोल्ड का एक पैकेट लिया है 500 लीटर का। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं दही। तो सबसे पहले हम दूध को एक पैन में डाल के गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक पतीला देखिए पैन चढ़ा लिया है, और इसमें हम पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, जो हमारा मिल्क है वो पतीले में नीचे चिपके ना, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा सिर्फ। अब हम इसमें मिल्क ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें फुल मिल्क क्रीम ही वाला दूध लेना है, क्योंकि जो दूध फैट वाला होता है उसी दूध से दही अच्छी जमती है। तो मैंने यहाँ पर देखा आपने अमूल गोल्ड का पैकेट लिया था, वो मिल्क जो आता है वो फैट वाला होता है। अगर आपके पास अमूल का ना हो तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है एक खाली बॉल, और खाली बॉल में मैं लूंगी दही जमाने के लिए हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है दही का चावन। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच लूंगी, ले रही हूँ दही का चावन। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने ले लिया दही का चावन। हमारा दूध अभी अच्छे से गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, बस हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है। मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। अगर आपका चावन जो है वो फ्रिज में रखा है तो उसे रूम टेम्परेचर पे लाइए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, 2 से 3 बार हमने इसे अच्छे से उबाल आने दिया है, देख रहे हैं आप। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करें कि मतलब सहने भर, जैसे पीने लायक होता है ना गुनगुना दूध, उस। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा जो मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसमें जो हमारा चावन है वो ऐड करेंगे। तो हमारा चावन ऐड कर देंगे इसमें। देखिए छाली भी जम गई है, कितनी मोटी छाली जमी है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिला लिया है। अब जो हम इसे, बारिश का सीजन चल रहा है तो हम इसे कैसरोल में रखेंगे ताकि हमारी दही जल्दी जम जाए, और अगर ठंडी का सीजन हो फ्रेंड तो आप इसे कुकर में रखकर या किसी गाढ़े कपड़े से, टॉवल से ढककर भी रख सकते हैं, तो भी आपकी दही जम जाएगी। और अगर गर्मियों का सीजन है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे किचन पर ढककर ऐसे ही रख देना है, आपकी दही जम जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बारिश का सीजन, थोड़ा हल्की ठंडी जैसी है, तो हम कैसरोल के अंदर इसे, हम अपना कैसरोल के अंदर इसे जमाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कैसरोल ले लिया है। अब मैं इसमें जो मेरा दही का चावन वो रेडी किया है जो मैंने, वो इसमें मैं रखूंगी एक बाउल, और मैं इसके अंदर डाल दूंगी मेरी दही जो है बनाई है मैंने दूध वाली, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स आपको इसे हिलाना नहीं है, इसे आपको हिलाना नहीं है, बस ऐसे ही आराम से ढककर रख देना है। पांच से 6 घंटे में आपकी दही बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 5 से 6 घंटे हो गए हैं और हमारी जो दही है वो बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दही जमी है, देखिए कितनी गाढ़ी दही जमी है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आप दही जमाएंगे तो आपकी दही बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ से, तब तक के लिए बाय बाय।